अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्हाइट एजुकेशन में। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों रसायन विज्ञान से, ये पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में भी, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली उन क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को रोज देखिए, क्योंकि ये सीरीज जो आपको एक दिन पहले टास्क दिया जाता है, कल हम लोगों ने ये आपको टास्क दिया था, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के भी आए होंगे और आंसर भी अच्छे से करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आंसर कीजिएगा और इन सब का पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ लगातार, ताकि आप वहाँ से जा भी जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। जो भी छात्र वहाँ पर जुड़े हुए, मैं उनको बता दूँ कि 3000 क्वेश्चन जो आपका MCQ दिया गया है पहले एप्लीकेशन वाला है ना, उसको पढ़िए। उसके बाद जो YouTube वाला जो 3000 क्वेश्चन है, 6000 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट मिला के वहाँ से। और ये जो शाम को 8 बजे सीरीज चल रहा है आपका, इसमें भी 1800 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इसका भी PDF हम लोग आपको वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग उन सभी PDF को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देखिए अब चीज़ें जो है ना, नई नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ करेंट अफेयर, और वो भी करेंट अफेयर हम लोग आपको 1 बजे क्लास में फॉलो कर ही रहे हैं उसको भी, जो कि नए करेंट अफेयर बन के आ रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट 40-40 क्वेश्चन का करा रहे हैं दोपहर 1 बजे, तो वो सेट भी आप जरूर देखें। ओके, तो कल का टॉपिक आप लोग थोड़ा सा नोट जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। कल का जो हमारा टॉपिक है लूसेंट स्पेशल में, वो जीव विज्ञान से होगा, यानी कि बायोलॉजी से होगा। तो बायोलॉजी का वर्गीकरण यानी कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर, तो कल आप लोगों का बायोलॉजी का सेक्शन होगा, तो उसको आप लोग थोड़ा सा कवर करके आइएगा, वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देकर आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकर चलते हैं उनको, जी हाँ, उन सभी प्रश्नों पर आपको यहाँ पे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, आंसर करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों रसायन विज्ञान से, तो पहले रसायन विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो लूसेंट का बुक है वो पढ़ ही रहे होंगे, और खासकर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल बुक जरूर पढ़ रहे होंगे। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कि जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके गुण, संगठन, संरचना, परमाणु संरचना, इन सब के बारे में, इनके परिवर्तनों और इनके अध्ययन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? तो इसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र से, ठीक है। ये प्राचीन शब्द है कीमिया, ये कीमिया इसका वर्ड है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कीमिया है ना, CHEMA है ना, याद रखिएगा। तो इससे ये उत्पत्ति हुई है, ये एक मिस्र वर्ड है दोस्तों, ठीक है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है भाई? काला रंग, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ कीमिया, क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछा गया है लेकिन ध्यान में रखिएगा, है ना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। मिस्र के लोग जो है ना वो काली मिट्टी को कहते थे कीमी, ठीक है, CHEMI, ठीक है, ये क्या काली मिट्टी को, तो वहीं से ये उत्पत्ति हुआ केमिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों। और हम लोग आज यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों पदार्थ और उसकी प्रकृति की कैसी होती है, और उसके परमाणु संरचनाओं के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में अगर हम दोस्तों थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें आपको कि पदार्थ यानी कि क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मैटर, ठीक है, मैटर कहते हैं इसको हम लोग। अच्छा, दुनिया की कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती हो उसको हम लोग, जिसका द्रव्यमान हो और साथ में अपनी संरचना का भी एक परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कि जल, हवा, वायु, कुछ भी है ना, वो पदार्थ है, वो कहलाता है मैटर यानी कि पदार्थ, ठीक है। और प्रारंभ की अगर हम लोग देखें, बात करें तो भारत में, यूनान में इनका अनुमान था, जो लोग रहते थे, कि इसकी प्रकृति जो है सारी वस्तुओं की 5 तत्वों में विलीन होती है। ये दोस्तों क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, ठीक है, ये नाम आप लोगों को तो पता ही होगा। पदार्थ यानी कि मैटर जो है ना दोस्तों, ये आपको भौतिक परिवर्तन यानी कि भौतिक वर्गीकरण आप लोग पढ़े होंगे, है ना, लूसेंट में, और ये दूसरा पढ़े होंगे दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, ये भौतिक और एक रासायनिक, ये दो चीज़ें आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को कलेक्ट करके लाए हैं। भौतिक परिवर्तन में हम बात करते हैं किसके बारे में, तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और साथ में रासायनिक की बात करें तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थों की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो तत्व और यौगिक की बात करेंगे, और मिश्रण की बात करेंगे तो समांग और विषमांग, है ना, विषमांग की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ चुका है आपके BPSC एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, तो ये इसका
प्रकृत तत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु दोस्तों किस तत्व में मिलता है, तो ये हमें मिलता है दोस्तों इसके प्रकृत तत्वों में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ठोस, द्रव, गैस, तो मैंने बताया आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फॉर्म में आपका भौतिक जो अवस्था में रहता है क्या भाई, तो पदार्थ आपका, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों दो पे, मैं पूछूंगा अभी आगे आपसे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। यौगिक, धातु, उपधातु, ये सब पढ़ना है आपको, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, तत्वों को कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उन्हें हम उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहते हैं इसको, ये भी आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा इन सब चीज़ों, परिभाषा पे, परिभाषा ही जनरली पूछ दिया जाता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जो इनमें से है जर्मीनियम, ये क्या है, एक उपधातु है। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमणी और ट्यूरियम, ये सारे जो क्या है, ये उपधातु के तत्व हैं, लेकिन तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता जो है ये धातु के होते हैं रूप। सवाल नंबर तीन पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा, कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो उपधातु का तो मैंने परिभाषा बता ही दिया, तो इसमें सिलिकॉन का भी मैंने नाम लिया था, डी इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों चार की तरफ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। बिल्कुल, इनमें से ऑक्सीजन नहीं होता है मिट्टी के तेल में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, या फिर ऐसे तत्व जो कि सोडियम है ना, क्रायोलाइट की बात अगर आप लोग करेंगे उसमें दोस्तों ऑक्सीजन का तत्व आप पाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। एक इसका सूत्र भी होता है Na3AlF6, है ना, ये किसका मैंने बताया, तो क्रायोलाइट सोडियम का, क्रायोलाइट है ना, इसमें भी नहीं होता है, लेकिन इसमें मिट्टी का तेल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है जबकि वायु एक। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि ये जो है आपका वायु, जल, ये सब क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ, एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है भाई, तो गैसों का मिश्रण है, आंसर हम ए कर लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, मिश्र धातु और मिश्रण में अंतर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। या किसी भी पदार्थ का दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण में उसको हम लोग विभाजित करते हैं, है ना, तो हमको पता है कि भौतिक वर्गीकरण के अनुसार ठोस, द्रव और गैस जो है पदार्थ की अवस्था होती है, और रासायनिक में क्या होता है, तो शुद्ध और मिश्रण होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है, ये दो चीज़ होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन इन चारों में से कौन सा है वो, तो प्लाज्मा है जो कि इसका चतुर्थ अवस्था होता है, सी इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। प्लाज्मा का जो गुण होता है वो ठोस होता है और द्रव्य में भी होता है और गैस का भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी विपरीत होते हैं ये उसके, और इसलिए इस पदार्थ की चौथी अवस्था इसको माना जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के गुण जो हैं ठोस, द्रव और गैस के गुण से काफ़ी विपरीत होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, है ना, इसलिए इस पदार्थ की चौथी अवस्था इसको कहते हैं हम लोग, यह माना जाता है। प्लाज्मा जो है दोस्तों आमतौर पर ना वो गैस के बादल के रूप में आप ले सकते हैं, या फिर गैस की तरफ प्लाज्मा का कोई भी निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इसको चौथा अवस्था कहते हैं पदार्थ का। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, विरंजक चूर्ण है कि। बिल्कुल, देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये एक यौगिक है दोस्तों, बी इज योर करेक्ट आंसर, ये क्या है दोस्तों, ये एक यौगिक है, विरंजक चूर्ण एक रासायनिक नाम है दोस्तों, किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, CaOCl2, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पे, और ये CaOCl2 जो है इसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह विरंजक जो है दोस्तों कॉटन, टेक्सटाइल उद्योग में काफ़ी ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक यौगिक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे, आंसर करेंगे, कौन सा मिश्रण नहीं है, इन चार में से कौन मिश्रण नहीं है बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मिश्रण भी मैंने आपको बताया है ना, एक रासायनिक वर्गीकरण के तहत इसको रखा गया था है, और ये भी एक पदार्थ है ना, रासायनिक वर्गीकरण के तहत इसको रखते हैं हम लोग, एक शुद्ध पदार्थ होता है
और एक होता है आपका मिश्रण, ठीक है, एक होता है मिश्रण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मिश्रण दोस्तों इनमें से नहीं है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। बिल्कुल, ग्रेफाइट जो है कोई मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बल्कि कांच, पीतल, इस्पात का मिलाकर बनाते हैं हम लोग, तो ये एक मिश्रण है दोस्तों, तीनों, ग्रेफाइट नहीं है इनमें। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन है? तो देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे यौगिक, यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं ना इसको, कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो कि रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यौगिक के जो गुण होते हैं वो अवयवी तत्वों के गुणों के भिन्न होते हैं, जैसे कि जल हो गया, है ना, जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक है, जल क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जलने के सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता ही है, तो ये भी आपको पता है, लेकिन ये क्या है? एक यौगिक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा यौगिक है अब आप बता सकते हैं, आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, अमोनिया, है ना, आंसर कर लीजिएगा, अमोनिया इनमें से एक यौगिक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, हीरा जो है ना एक तत्व है, ये कार्बन का अपरूप होता है, ये भी आपको पता है दोस्तों, ठीक है, हीरा जो है एक अपरूप है, किसका? कार्बन का, तो ये एक तत्व है। बाकी माणिक्य, नीलम, पन्ना, ये सब क्या है? तो ये ठोस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तत्व नहीं है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब क्या है? पदार्थों के तत्व कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे दोस्तों, वायु निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल मैंने बताया कि ये गैसों का मिश्रण होता है, ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये स्थान भी घेरती है, दबाव भी डालती है और संपीड़ित भी कर सकते हैं, वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा, वायु में पाई जाने वाली जो गैस है मुख्यतः नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 78%, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन जो है 21% अप्रोक्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये पॉइंट में होता है, बहुत ही कम परसेंटेज होता है इसका। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 12 पे, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए रासायनिक यौगिक का परिभाषा आपको दिया है, या तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है या तो कोई मिश्रण हो सकता है, ठीक है, या तो कोई शुद्ध पदार्थ हो सकता है या तो कोई मिश्रण हो सकता है, ध्यान से आंसर कीजिएगा आप लोग, मैं परिभाषा आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आंसर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं भाई? तो तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, है ना, तत्व और यौगिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और तत्व कैसे? तो धात्विक और तत्व होते हैं, और एक अधात्विक तत्व होते हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। और यौगिक जो है दोस्तों, यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं या फिर अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं, है ना, कार्बनिक हो सकते हैं या फिर अकार्बनिक हो सकते हैं, ये भी दो इस भागों में विभक्त किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों पदार्थ की, है ना, तो रासायनिक यौगिक कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है, रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अमोनिया, मैंने आपको बताया यहाँ पे, इट्स अ सी इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, रासायनिक बोल दिया गया इसलिए अमोनिया हम यहाँ पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? बिल्कुल देखिए, मिश्रण भी मैंने आपको बताया कि दो तरह से इसको आपको बांटा गया है ना, समांग और विषमांग, समांग और विषमांग, है ना, ये दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये जो मिश्रण है इनमें से कौन है, ठीक है, इनमें से कौन मिश्रण है? तो इस्पात जो है ये मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब ये कैसा मिश्रण है, समांग है या विषमांग है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे, शुद्ध तत्व कौन सा होता है? अब देखिए शुद्ध तत्व यानी कि पदार्थ, है ना, पदार्थ में पदार्थ दो तरह के हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, शुद्ध तत्व और शुद्ध यौगिक, ठीक है। यौगिक जो तत्व होते हैं वो धात्विक और अधात्विक होते हैं, ये भी आपको बताया हमने, तो आप बताइए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, हाँ, सोडियम इज योर करेक्ट आंसर, Na से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। रासायनिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो कि केवल एक तरह के परमाणु से बनते हैं, ठीक है, ऐसे परमाणु जो कि परमाणुओं से बनते हैं जिनमें कि नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ
तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब तत्व हैं। ठीक है, शुद्ध तत्व में हम बात करेंगे तो ये सोडियम है यहाँ पे, इन चार ऑप्शन में। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसके प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था भाई? डाल्टन, बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, ये इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 1766 से लेकर जी हाँ 1844 के बीच में ये रहे हैं, जॉन डाल्टन का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे ये ध्यान रखिएगा, और इनकी ही संबंधित सिद्धांत थे जो कि हमें परमाणुओं के बारे में, सिद्धांत के बारे में पता चलता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर कर लेंगे। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कर लीजिएगा, डाल्टन बी इज योर करेक्ट आंसर, वही बात है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। जी हाँ, नोट कर लेंगे। देखिए, जो परमाणु संरचना की बात हो रही है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, अब थोड़ा सा प्राकृतिक जो है ना हमारा पदार्थ और उसके प्रकृति हम थोड़ा सा कवर कर चुके हैं, अब इस टॉपिक में घुस रहे हैं परमाणु संरचना में। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ से आंसर मिलाकर जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आंसर है बोहर और रदरफोर्ड का नाम, यहाँ पे सी कर लीजिएगा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, अच्छा परमाणु होते क्या हैं ये ध्यान रखिएगा, है ना। एटम को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको परमाणु तत्व का वह छोटा सा कण होता है, छोटा से छोटा कण, है ना, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं। तो उसकी संरचना ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर करेंगे इनमें से सी। ठीक है, इज द राइट आंसर, 17 का आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? देखिए, परमाणु पदार्थ इन सब के बारे में ना बहुत लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे थे। रदरफोर्ड का भी कुछ मॉडल था, उसमें कुछ दोष पाया गया था फिर उसके बाद, है ना। फिर उसके अलावा दोस्तों मोल और धारणा, अनुभार, परमाणु भार, ये सब आपको टॉपिक पढ़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव हैं वो कौन से हैं? तो आंसर कर लीजिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, बी इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, थॉमसन, जे जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था परमाणु का ये मॉडल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को नीले रंग में दिखा गया और जो एक समान के रूप में होते हैं और ये धनावेशित होते हैं और ये लाल रंग के फैले होते हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया था थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, बट परमाणु के तीन आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। परमाणु के नाभिक में निम्न कारण होते हैं? 19 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते नाभिक जो है उनका, ठीक है, निम्न कारण से बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते। ठीक है, नाभिक दोस्तों नाभिकीय कणों या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बनते हैं, ये तो आपको बता चुके हैं। अच्छा, इस कण को हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोण जो होता है, आंतरिक कोणीय संवेग, ये दोस्तों हाफ होता है एक दूसरे का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 के ऊपर। परमाणु में कौन से मुल्क में समान संख्या में स्थित होते हैं? ये मुल्क कुछ नहीं है यहाँ पे, परमाणु में कौन से स्थिति में, है ना, समान संख्या में स्थित होते हैं यानी कि रहते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अवस्था में जब होते हैं तो वो समान संख्या होती है उनकी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। हर परमाणु का नाभिक से ही बनता है ये तो पता है, नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स की भी समिति देता है और नाभिक आमतौर पर जो है दोस्तों एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या से बनता है। ठीक है, सवाल नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, याद रखिएगा आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? बिल्कुल, प्रोटॉन की संख्या, याद रखेंगे दोस्तों, ए इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 22 की तरफ दोस्तों, आंसर करेंगे।
वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बिल्कुल, बहुत अच्छे, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 का उत्तर कर लीजिएगा। बिल्कुल जी हाँ, जे जे थॉमसन, ये इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, ये है मिलिकन, बी इज योर करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, मिलिकन, ए मिलिकन इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, एक मिलिकन, ठीक है। 1868 से लेकर 1953 के समय काल था इनका, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ सकता है ये इन्होंने बताया था, है ना, आवेश के बारे में बताया था इन्होंने। ओके, सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन कौन सा है जो कि ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना, माइनस, नेगेटिव, ठीक है। तो इनमें से अगर देखें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन जो है अधिक और प्रोटॉन कम होते हैं, और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो एनायन कहते हैं इसको, और क्योंकि ऋणात्मक आवेश वाले यह आयन अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में डाले जाएं तो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आवेश वाले एनोड को और आकर्षित करता है। तो 24 का उत्तर हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, सी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग दबी प्रकृति पाई जाती है इनमें? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा 25 का, इलेक्ट्रॉन में ही, सी इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? बिल्कुल, सदा घनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, डी इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव होता है, सदा घनात्मक होता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं, तो 27 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, जी हाँ, अल्फा कणों का, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, अल्फा कणों का। प्रोटॉन पर अगर देखें आवेश जो है हमेशा बराबर कहाँ होते हैं, तो अल्फा कणों पे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। सवाल नंबर 28 दोस्तों, ऋणवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 28 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 का, जी हाँ, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, परमाणु की में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है, डी इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, देखिए आपको बता दें यहाँ पे, अगर आप 29 का आंसर कर रहे हैं, चैडविक, ठीक है, और रदरफोर्ड, ध्यान से सुन लीजिएगा, सन 1920 में अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक में एक से ऐसे कण की उपस्थिति बताई थी जिसकी संभावना इन्होंने बताई थी, रदरफोर्ड ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जेम्स चैडविक 1931 में, है ना, 1931 में परमाणु के नाभिक में इस कण की खोज ही कर लिया था इन्होंने, तो इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे जेम्स चैडविक होगा, ए जो राइट आंसर। ये इन्होंने संभावना व्यक्त की थी, है ना, पर इन्होंने खोज करके निकाल दिया 1931 में, इसलिए आंसर चैडविक। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा चैडविक तो आप लोगों को रदरफोर्ड मारना है। ये आप लोगों को मैंने स्पीडी साइंस वाले सीरीज में भी करवाया था, तो आपको बताया था ये चीज। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? बिल्कुल 30 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, न्यूट्रॉन, जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या कर लेंगे, न्यूट्रॉन में, सी इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो 31 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, ये फोटोन होते हैं, डी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु का संगठन कण ही होता है, सभी तीन में यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, फर्मियोन होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु का भाग नहीं बोला जा रहा, इसलिए हम प्रोटॉन की बात करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, और इसके बाद जो है ना मेंडली फ्रेंडली पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना, नेक्स्ट बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें हम बताएंगे आपको सब कुछ परमाणु के बारे में।
तो द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो ये आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। डी इज योर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या, बिल्कुल, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, बी इज योर राइट आंसर। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है और इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य के बराबर होता है। नगण्य यानी कि ना के बराबर, है ना। नाभिक में पहचान करना है परमाणु संख्या का, तो हम लोग परमाणु की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या, है ना, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं हम लोग। तो आंसर कर लीजिएगा, न्यूक्लियस में द्रव्यमान की संख्या जो है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक ही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे दोस्तों। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? 34 का उत्तर करेंगे, बिल्कुल विपरीत चक्रण होता है। बी इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। या ये विपरीत चक्रण होता है, यानी कि आध अवस्था कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? आध अवस्था कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 34 के बाद 35 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? चार हो जाएगी, बिल्कुल याद ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है, चार हो जाएगी। दो प्रोटॉन और दो यहाँ पे न्यूट्रॉन हो और दो इलेक्ट्रॉन हो तो बिल्कुल यहाँ पे चार होगा, याद ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या हम निकालते हैं दो को जोड़कर, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को, दो दो और दो चार हो जाएगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, बताइए। प्रोटॉन की संख्या बताना है आपको, ठीक है, प्रोटोनों की संख्या। तो 36 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो है परमाणु के द्रव्यमान संख्या दिया गया है ना, द्रव्यमान संख्या ही दे दिया गया है और परमाणु क्रमांक है यहाँ पे 11, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक है हमारा, वही जो प्रोटोनों की संख्या है, तो आंसर हमारा क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, डी 11। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे, आंसर कर लीजिएगा। एकधा आयनिक कार्बनिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 38 पे। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, आंसर ए कर लीजिएगा। जी हाँ, मैंने आपको बताया था शुरुआत में रासायनिक तत्वों के बारे में, ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो कि केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्वों के प्रकृति को हम लोग ज्ञात भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 39। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? जी हाँ, 8 हो सकती है, याद रखिएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जी हाँ, 2882, ये आप लोग विन्यास निकालते हैं इस तरह से, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, याद रखेंगे, सी इज योर राइट आंसर। तो हमारा जो चैप्टर था पदार्थ, है ना, पदार्थ और उसकी प्रकृति, है ना, उसकी प्रकृति, तो ये ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से ये 40 प्रश्न हमने लेकर आए थे आप लोग के लिए, और साथ में दोस्तों यहाँ पे हमने परमाणु संरचना को भी कवर किया है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इस चैप्टर में। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, यहाँ पे वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देंगे, एक लाइक और शेयर करके, है ना, शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन सभी छात्रों को जिनको कि लूसेंट पढ़ना हो। और ये लूसेंट का सीरीज आपका चल रहा है दोस्तों, ये आपके टोटल जब तक यहाँ पे सीरीज ख़त्म नहीं होगा तब तक ये आपको अपटूडेट किया जाएगा। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जी हाँ, मैंने आपको बताया जीव विज्ञान से होगा, और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्गीकरण। जी हाँ, पहला ही चैप्टर है, उसको देख लीजिएगा आप लोग लूसेंट के पेज पे जाके, है ना, ध्यान रखिएगा 246 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा जीवों का, जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है, ओके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, 1 बजे मिलेंगे, और उससे पहले 12 बजे का क्यूज़ भी आप अटेंड करें।
और टेलीग्राम पे जितने भी क्यूज आपको कराए जा रहे हैं, करेंट का हो, मिक्स क्यूज का हो या लुसेंट का हो, वो करते रहिएगा। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का भी हम लोग आपको टेस्ट करवा देंगे। कहाँ पे? तो लुसेंट पे, है ना, सॉरी टेलीग्राम पे। तो आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशन पे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ये सारे टेस्ट के फॉर्म में भी डाल दिए जाएँ, ताकि आप लोग कभी भी जाके वहाँ से टेस्ट दे सकें। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क टाइम लग रहा है, तो अभी एग्ज़ाम डिले हो गया इसके चलते, वो नहीं तो चीज़ें हो जाती वहाँ पे। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे भी, और 1 बजे का क्लास आप लोग मिस मत किया कीजिए। आप लोग बहुत सारे छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन 1 बजे का क्लास करंट अफेयर का आप लोग बहुत ही स्किप करते हैं, तो स्किप मत कीजिए, वो बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।